भाई के लिए जोरदार। मुझ में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, पहला टेस्टोस्टेरोन और दूसरा भूख। पर भूख मोहब्बत वाली, क्रश वाली नहीं, क्योंकि क्रश मोहब्बत का एक छिलका है बस, या यूँ कहें तो मोहब्बत का नैनो मॉडल है क्रश। असल में हुआ है कि वक्त के साथ जब हमें मोहब्बत सिर दर्द, इरिटेटिंग, इलॉजिकल लगने लगा, और ये चूल भी थी कि मोहब्बत करके तो देखें, और हिम्मत भी नहीं थी कि मोहब्बत करके देखें, उस कंडीशन पर हमने मोहब्बत को मॉड्यूल करना शुरू किया, उसकी कॉस्ट कटिंग शुरू की, और धीरे धीरे मोहब्बत के जितने भी वादे थे, कस्में थे, उनको हटाना शुरू किया, उसके सारे सतहों को हटाना शुरू किया, और इंतज़ार करते रहे, वेट करते रहे। किस बात का? इस बात का कि एक दिन मोहब्बत इतना छोटा और हल्का हो जाए कि वो चुटकी में आ जाए, और जब मन तब हम उसे चुटकी की तरह मसल भी सके, और तब आया दुनिया में हल्का फुल्का छरारा सा क्रश। मोहब्बत में डेप्थ थी, गहराई थी, और क्रश, क्रश तो सिगरेट भी है। क्रश के साथ ये लिबर्टी है कि एक दिन, एक रात, 10 साल या उसी वक्त बोर होते ही उसे उठाकर नीचे रख दो, क्रश को बुरा नहीं लगने वाला, उसे ऐसा बनाया गया। और अगर इतने पे भी मन ना माने तो उसे मस्त हाथों में उठाओ और फुटबॉल की तरह मारो और बोलो आज की ब्रेकअप पार्टी मेरी तरफ से। आज ये पगला या पगली झूम करना चाहिए। असल में मोहब्बत और क्रश दोनों में रूह अब भी है, लेकिन मोहब्बत लॉजिकली थोड़ा अनपढ़ रह गया, और क्रश तो टिका ही लॉजिक पर है। तो फिर ठीक है तो हिस्सा मोहब्बत का ही। अब हम गंगा को अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना भी मैला कर लें, गंगा तो गंगा रहेगी ना। तो मोहब्बत मोहब्बत है और क्रश क्रश रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच। क्या हो गया, दिल विल टूटा क्या? क्या दर्द वाले बोल रहे थे आपके? कुछ तो बोलो। अरे अरे, दो बिछड़े भाई मिल गए आप। बिछड़े सात जन्म के आपको आपने मिला कृष्ण। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? क्या कितने टाइम बाद मिल रहे आप लोग? बस आज इंस्टा में देखा था, रियल देख लिया। थैंक यू सो मच। मैं भी इसको यही बोला, ब्लैक स्क्रीन ढूंढो, उधर एक्टर है, वो हमारा काम का है। थैंक यू सो मच। शाहरुख खान का करो? नहीं, मैं मिमिक नहीं करता हूं। आप जो भी बोलोगे मैं एक्ट करूंगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना? थैंक यू। अब धूप भी हो रही है, धीरे 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 धूप भी हो रही है। आप असल दर्द सिखा दो यार, वो अच्छा था वो, प्लीज। कृष्णा सर। हाँ सर। असल दर्द? असल दर्द हाँ, बहुत दर्द है वो, सुना दर्द है। किसी को खो देना, किसी का खो जाना, कई बार खुद को भूल जाना, उस वक्त जो महसूस होता है वो दर्द नहीं है, वो सुन्न है। असल दर्द शुरू होता है उसके कुछ दिनों के बाद, जब आप ये मान चुके होते हैं कि जो हुआ वो हो चुका, इसे बदला नहीं जा सकता। आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं, बातें करना शुरू करते हैं, म्यूज़िक सुनना शुरू करते हैं, और उसी वक्त वो सारी चीज़ें जो उनके साथ चली गई थी वो वापस पलट के आती है, और आपको ऐसे छू कर किसी रोज चली जाएगी, और आप सिहर के रह जाओगे, आप पागल हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आने वाला कि ये क्या हो रहा है, और अचानक आपको महसूस होगा कि आपके आसपास एक काला गहरा कुआं बन गया है, और आप कुएं के किनारे पर खड़े हो, गिरे तो खत्म, और गिरोगे क्योंकि बदहवासी में ना आपके पैर कांप रहे होंगे, आंखों में आंसू होने वाले हैं, तो आपको वो खड्डा नहीं दिखने वाला है, और जैसे ही गिरे उसके बाद सारे सवाल पलट जाएंगे कि ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ, मैं रुक सकता था, मैं नहीं रुक पाया। उस वक्त जो महसूस होता है वो दर्द है,
पागल हो जाओगे, कोई मिलने वाला नहीं है, आपको समझने वाला, आपके दर्द को समझने वाला, आप दीवार से सर पीट पाओगे। उस वक्त जो महसूस होगा वो दर्द है, दर्द के वक्त जो महसूस होता है वो सुन्न है। बस थैंक यू। उठो दौड़ो भागो, फिर से उठो दौड़ो भागो, फिर से उठो दौड़ो भागो, यही कर रहे हैं ना हम लोग हर रोज। ये पता है, ये उठो दौड़ो भागो एक मोटिवेशन है, अगर सही नीयत से आपके जहन में डाला गया हो अच्छे बहुत बढ़िया, लेकिन एक गलत नीयत से अगर आपके रगों में ये डाल दिया गया ना तो ये जहर है। और ये उठो दौड़ो भागो और भागते रहो, और तब तक भागते रहो जब तक तुम पूरी दुनिया से आगे ना निकल जाओ, ये मेरे रगों में जहर की तरह डाला गया बचपन से, मेरे कोच ने डाला। और इसी उठो दौड़ो भागो की वजह से आज मेरे पास सब है, 5000 से लेकर 5000 करोड़ तक की किसी भी प्रॉपर्टी पे मैं हाथ रख दूंगा मेरी होगी, उससे जुड़ा हर इंसान मेरा होने वाला है। आज जब मैं अपने ऑफिस से अपने सेडान से बाहर निकलता हूँ, और अगर मेरे सेडान से किसी बाइक ने ओवरटेक करने की कोशिश की, मन करता है गाड़ी चलाकर मार दूँ, इसे खत्म कर दूँ, किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकता मैं। लेकिन ऐसा था नहीं, मैं बड़ा मासूम सा बच्चा था, स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चों की दौड़ होती है ना, मैं बीच में खड़ा रहता था, और मेरे दोस्तों को ये मालूम होता था दौड़ शुरू होगी, ये अंत में सबसे लास्ट में मिलने वाला है, अपनी मर्जी से मैं भाग सकता था, पर अपनी मर्जी से, क्योंकि दोस्तों का आगे बढ़ते देखना मुझे अच्छा लगता था। और जब जब मैं ऐसा करता था, मेरे कोच आते थे और जोर का एक छापड़ लगाते थे, बोलते थे क्यों किया ये, मैं बोलता था मुझे अच्छा लगता है, वो बोलते कि आज जिनके आगे बढ़ने पर आज तुम्हें खुशी हो रही ना, यही लोग आगे बढ़कर पीछे मुड़कर तुम्हें देखेंगे, बोलेंगे वो देखो एक लूजर खड़ा है। अब मेरा सवाल ये है कि वो लोग कहाँ हैं जो मुझे लूजर बोलने वाले थे, वो कोच कहाँ है जिसने मुझे बताया कि ये इंसान मुझे लूजर बोलने वाला, कहाँ है, कौन है? मैं आज इतने बड़े घर में अकेले खड़ा हूँ, कोई नहीं मेरे आसपास, मैं अकेला हूँ। मैं खुश कहाँ था उस घर में जहाँ घुटने मुड़ते थे, सो नहीं पाता था, मच्छर काटते थे, खाने को खाना नहीं था, वहाँ मैं खुश था। आज इतना बड़ा कमरा है कि किस कमरे में क्या रखा है मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ। मैंने वो दोस्त खो दिए जिनके हारने पर, मेरे हारने पर, उनके हारने पर हम जश्न मना लेते थे यार, हम पार्टी कर लिया करते थे, आज सब जीत कर बैठा ऊपर अकेला हूँ मैं। तो ये उठो दौड़ो भागो के चक्कर में मत रहना, दिमाग लगाना, उसके बाद दिल से सोचना क्या करना नहीं करना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, माइक लगाया, वो कैमरा लगाया, आई एम सो सॉरी। अब बैकअप का वक्त आ गया, बैकअप 8 बज गए। नहीं अभी यही सब करता हूँ, वो चीज़ें जब बननी होंगी बन जाएंगी, सब हो जाएगा। फिर तो टाइमिंग नहीं है। अरे नहीं, फिर नहीं मिलेगा। मैं फिर भी करूँगा ये, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, मोहब्बत है। अरे बात नहीं होता, घर पे हाँ थोड़ी तबीयत थोड़ी नसाज है इसीलिए। कैसे हैं आप? और आपके भाई कहाँ गए? एक और जो थे आपसे, जो आपकी आंखों से मुझे याद है, गाँव गए। गाँव गए? अच्छा, हेलो सर। हेलो, हाय, कैसे? हेलो, चालू कर रहा हूँ। नहीं अभी पैकअप कर रहा हूँ, 6 बजे आ रहा है। बाय बाय।